फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ डुगाटी मल्टीस्टर्डा वर्जन 2 के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो डुगाटी मोटर कंपनी है उसने अपने न्यू मल्टीस्टर्डा वर्जन 2 एडवेंचर स्पोर्ट मोटरसाइकिल है उसको इंटरनेशनल मार्केट में ऑफिशियली रिवील कर दिया है। और फ्रेंड, ये जो न्यू मोटरसाइकिल है वो हमें मल्टीस्टर्डा 950 की रिप्लेसमेंट में देखने को मिलने वाली है, जो कि हमें 2 वेरियंट, स्टैंडर्ड वेरियंट एंड एस वेरियंट में अवेलेबल देखने को मिलने वाली है। तो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करती हूँ इसके इंजन के बारे में। तो फ्रेंड, इसके अंदर हमें यूरो 5 कंप्लीएंट 937 सीसी टेरेस्टेटा 11 डिग्री ट्विन सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन देखने को मिलने वाला है, जिसके अंदर की हमें 111.5 bhp का पावर एंड 98 Nm का टॉर्क देखने को मिलने वाला है। और फ्रेंड, इसका जो ऑयल चेंज एंड वाल्व क्लीयरेंस इंटरवल्स है वो हमें 15,000 एंड 30,000 की इंटरवल्स पे देखने को मिलने वाला है। और फ्रेंड, इसके अंदर हमें जो A2 लाइसेंस होल्डर्स हैं उनके लिए 47 bhp का भी वर्जन है वो अवेलेबल देखने को मिलने वाला है। तो फ्रेंड, इसके अंदर हमें सेमी फेयरिंग एंड टॉलर विंड स्क्रीन देखने को मिलने वाली है। और फ्रेंड, स्टाइलिंग क्यूज में हमें ट्विन पोर्ट हेडलाइट, मस्कुलर फ्यूल टैंक, स्पील स्टाइल सैडल, साइड स्लंग एग्जॉस्ट जैसे फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। और फ्रेंड, इसके अलावा इसके अंदर हमें 19 इंच के फ्रंट एंड 17 इंच के रियर एलॉय व्हील्स देखने को मिलने वाले हैं। और फ्रेंड, इसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक राइडर एड्स में हमें कॉर्नरिंग ABS, व्हीकल होल्ड कंट्रोल, डुगाटी ट्रैक्शन कंट्रोल एंड 4 राइडिंग मोड, स्पोर्ट मोड, टूरिंग मोड, अर्बन मोड एंड एंड्यूरो मोड जैसे मोड्स अवेलेबल देखने को मिलने वाले हैं। और फ्रेंड, इसका जो एस वेरिएंट है उसके अंदर हमें डुगाटी स्काई हुक सस्पेंशन, ईवो सेमी एक्टिव सस्पेंशन सिस्टम देखने को मिलने वाला है। इसी के साथ साथ उसके अंदर हमें क्रूज कंट्रोल, फुल LED हेडलाइट, इक्विप विद डुगाटी कॉर्निंग लाइट्स फंक्शन, डुगाटी क्विक शिफ्ट अप एंड डाउन, हैंड स्प्री सिस्टम, हाई रेजोल्यूशन 5 इंच कलर TFT डैशबोर्ड एंड बैकलिट हैंडल कंट्रोल्स देखने को मिलने वाले हैं। और फ्रेंड, अगर बात करें उसके कलर ऑप्शन के बारे में, तो फ्रेंड ओनली दोनों ही वेरियंट्स में हमें डुगाटी रेड कलर ऑप्शन है वही अवेलेबल देखने को मिलने वाला है। बट फ्रेंड, इसका जो एस वेरिएंट है वो हमें न्यू स्ट्रीट ग्रे लिवरी विद ब्लैक फ्रेम एंड GP रेड रिम्स के साथ देखने को मिलने वाला है। तो फ्रेंड, ये जो बाइक है वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल देखने को मिलने वाली है, और फ्रेंड उसके बाद ये हमें इंडियन मार्केट में भी देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड, इसी तरह से हमारे न्यू इन्फॉर्मेटिव एंड ऑटोमोटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आए। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।
तो फ्रेंड जो सीकेडी वर्जन है उसके अंदर हमें A350D वेरिएंट के जैसा ही रियर व्हील ड्राइव सिस्टम देखने को मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड इसी तरह से हमारे न्यू इन्फॉर्मेटिव एंड ऑटोमोटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आए। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।